तो कमिकर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज से ठीक 3 महीने बाद आने वाली है सी हल्क अटॉर्नी एट लॉ और आज मार्वल ने ट्रेलर ड्रॉप किया है। तो चलिए हम लोग आज सी हल्क के ट्रेलर का रिव्यू करते हैं और ये सीरीज हमें 9 एपिसोड में दिखाई जाएगी। जैसे हम लोग को दिखाया गया है सी हल्क की स्टोरी बेस होने वाली है LA लॉस एंजलिस में, क्योंकि हर कांड मार्वल वाले सिर्फ न्यूयॉर्क में तो नहीं दिखा सकते ना, सॉरी जस्ट किडिंग। और जैसा हमें पता है जेनिफर वॉल्ट्रेस AKA सी हल्क एक लॉयर रहती है और जेनिफर को सुपर ह्यूमन लॉ डिविजन का काम दिया जाता है जिसमें उसे वो सुपर ह्यूमन को डिफेंस करना होगा जो सुधरना चाहते होंगे। और मेरे ख्याल से एबोमिनेशन से ही शुरुआत होगी और इस फैसिलिटी को देख के ये लग रहा है जो क्राफ्ट भी समुद्र में था वो अब LA में इस्टेब्लिश हो गया है और वहीं पे एबोमिनेशन को भी रखा गया हो। और एबोमिनेशन को देख के ये लग रहा है उसने भी अपने बॉडी पे कंट्रोल कर लिया है हल्की तरह, क्योंकि वो भी अब अपने ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और जहां तक हमने सेंची में देखा था वोंग इसे सिखा रहा था, हो सकता है वोंग भी हेल्प कर रहा हो एबोमिनेशन को अपने पे कंट्रोल करने के लिए। और ये भी कंफर्म है कि इस सीरीज में हमें वोंग भी दिखेगा। और जहाँ तक रही बात हमारे हरे पहाड़ हल्क की, उसको देख के एक इंटरेस्टिंग बात पता लगी। लास्ट टाइम हमने सेंची के पोस्ट क्रेडिट में ब्रूस बैनर को देखा था, वो भी डैमेज हाथ के साथ, और अब सी हल्क में हमें प्रोफेसर हल्क दिखे हैं जेनिफर को अपने गुस्से पे कंट्रोल करने सिखाते हुए। तो इसका मतलब अब ब्रूस ट्रांसफॉर्म भी होगा तो वो प्रोफेसर हल्क ही बनेगा। और इस सीरीज में हमें हल्क सिर्फ जेनिफर को ट्रेन करते हुए दिखे हैं, अब जाके प्रोफेसर हल्क का नाम यूज हुआ है, एक प्रोफेसर भी और एक हल्क भी, गजब बात है। और ये भी हो सकता है प्रोफेसर हल्क को इस सीरीज में ही खत्म कर दे और इस सीरीज के लास्ट में हल्क के साथ कुछ ऐसा हो जाए जिससे वल्वा हल्क का इवेंट क्रिएट हो, लेकिन ये डिपेंड करता है मार्वल पे उनके फ्यूचर प्लान कैसे हैं। इसके ट्रेलर में सब कुछ ठीक लगा पर सी हल्क का फेस थोड़ा एनिमेटेड टाइप का लगा। वहीं पे हल्क और एबोमिनेशन का फेस और बॉडी का सही CGI था पहले के जैसा। जैसे कॉमिक में जेनिफर सी हल्क बनने के बाद खूबसूरत सेक्सी फेमस रहती है, वैसे ही कुछ हमें TV सीरीज में भी देखने को मिलेगा। इसमें हमें एक्शन उतना कुछ खास देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी स्टोरी हमें काफ़ी कुछ बताएगी और इसमें हमें थोड़ा नॉटीनेस भी दिखेगा। और र्यूमर्स ये भी है जेनिफर फोर्थ वॉल ब्रेक करेगी सीरीज में, ये काफ़ी सही में अमेजिंग होने वाला है। बाकी वेट करते हैं 17 अगस्त का। अगर आपको डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के बारे में जानना है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे ज़रूर चेकआउट करें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते हैं और ज़रा सा सब्सक्राइब बटन दबा दें। तो आज की बैठक यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी कॉमिकर्स।